दिनों से यहाँ बहुत गर्मी पड़ रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ, जिस तरह से फ्लाइट कैंसिल हुआ, डेली 2-3 फ्लाइट चाहिए क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज के बाद थोड़ा मौसम में तब्दीली आएंगे, थोड़ा ठंड हो जाएंगे, तो उसी के चलते उसी के मुताबिक अभी इस वक्त जो दिन के 11:30 बजे लगभग है, तो यहाँ पर बादल छाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी टपकने लग गया। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने का कहना है कि शाम तक होते होते कि बारिश और तेज होने की उम्मीद है, और ऐसा ही मौसम उनका कहना है कि लगभग 5 अगस्त तक रहेगा। और दूसरी बात, जो लद्दाख के कनेक्टिविटी की बात करें तो हर जगह इस वक्त रोड खुला हुआ है, और टूरिस्ट के लिहाज से बता दूं जो नुब्रा से पेंगोंग जाता है शायोक करकिरीवार रोड है, वो इस वक्त बंद है, वो 2-3 दिन से बंद है, क्योंकि जो शायोक रिवर में पानी भर जाने के कारण, पानी के जो पानी इंक्रीज होने के कारण वो रोड बंद है टूरिस्ट के लिए, से आपको बता दूं। और दूसरी तरफ इस वक्त हमें बताया गया है कि हमारे रिपोर्टर जांस्कर से कि जांस्कर में बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, और शाम चलते चलते ये यहाँ ले में भी बारिश होने की अनुमान है, उसी तरह जो सरचू दर्जा रोड पर भी बारिश होने के अनुमान है, जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था। और इस बार जो गर्मी बहुत लोगों को परेशान कर रहे थे, इस तरह से फ्लाइट भी कैंसिल हुआ था, इसी तरह जो 28 जुलाई को यहाँ का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था 33.5, वो लद्दाख में सबसे हाईएस्ट इस साल का बताया जा रहा है। हालांकि पिछले साल के जो उससे पहले की बात करें 2021 में उनका कहना है कि 36 डिग्री भी हुआ, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 33 होने के कारण जो ड्राइनेस ज़्यादा है, इसलिए लोगों को ज़्यादा जो गर्मी लगने लग गया है। तो आपको बता दूं जो पुलिस कंट्रोल के रूम के मुताबिक, पुलिस कंट्रोल रूम की जो जानकारी के मुताबिक अभी सारे जो रोड्स है वो खुला हुआ है, लेकिन आने वाले जो जो आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बताया कि लोग सतर्क रहे, क्योंकि कहीं कहीं लोकल जो जगह लोकल फ्लड्स आ सकता है जगह जगह, जो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन जो अगर बारिश होगा तो जो थोड़ा बहुत फ्लड आने की भी चांसेस बताया जा रहा है। मेरे साथी सनम निंचन, न्यूज़ 18 के लिए।